नमस्कार, मैं अंकुश और आप जुड़े द फैक्ट आई के साथ। जानते हैं इस युवा से कि ये क्या नए खुलासे करती है बाबा राम रहीम के बारे में। जी, आपका नाम? सिमरन इंसा। आप भी डेरा से जुड़ी हैं? हाँ जी। कब से जुड़ी हैं? हो गया मुझे, मैं जब छोटी सी थी 3-4 साल की तब से जुड़ी हुई हूँ। फिलहाल आप क्या करती हैं? मैं अभी 11th। जी, तो आप 11th क्लास में, आपको तो अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, आप ऐसी सत्संग वाली जगह क्यों जाती हैं? एक्चुअली इधर आने से ना काफ़ी अच्छा लगता है, मेडिटेशन करने से इतना रिलैक्स फील होता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान लगता है। जी, मेडिटेशन तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हो, फिर बाबा राम रहीम के मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? मेडिटेशन हम घर में बैठ के कर तो सकते हैं, पर एक कराने वाला चाहिए होता है, क्योंकि हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तब कोई भी ना कोई चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है, छोटी सी चीज़ भी हमें डिस्टर्ब कर देती है। जब कोई हमारे पीछे खड़ा होता है बताने के लिए कि नहीं आप मेडिटेशन करो, ये आपके लिए ज़रूरी है, ये अच्छा है आपके लिए, तो अच्छी तरीके से मेडिटेशन होता है। आप क्या देख के जुड़ी हैं डेरा सच्चा सौदा से? हर चीज़ अच्छी है, क्या क्या बताऊँ, कोई गिनवाने वाली चीज़ नहीं है। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स, मेरी दादी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, जब से बड़े पिताजी थे तब से जुड़े हुए हैं। जी, आज तो डेरा सच्चा सौदा के बारे में इतना कुछ दिखाया जा रहा है, फिर आपने जाना बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता है ये सब झूठ है, हम जब जा रहे हैं हमारी आंखों देखी सब कुछ सही है, हमने कुछ गलत देखा नहीं आज तक, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर गलत, सब अच्छा ही होता है। जी, हमने देखा है डेरा सच्चा सौदा में आपकी तरह और भी 80% युवा आता है, क्यों आता है? क्या कोई इन्हें रिश्वत देकर बुलाया जाता है? रिश्वत, इतना तो इंसान रिश्वत लेके भी ना आए, पर यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है। एक्चुअली वहाँ पर कॉलेज, स्कूल, मतलब हर चीज़ बन रही है, हर चीज़ की सुविधा है, बहुत अच्छी जगह है। वो जो मीडिया दिखाती है सब बिका हुआ है, कुछ भी सही नहीं है, ये सब झूठ है। सोशल मीडिया पर हमने पढ़ा है डेरा सच्चा सौदा 134 से ज़्यादा मानवता भलाई कार्य करता है, क्या ये सही में करता है या सिर्फ आंकड़े हैं? नहीं, ये सच्चे में होता है। एक्चुअली मैं अभी 15 अगस्त को ब्लड डोनेट करके आई हूँ और ये मेरा फर्स्ट डोनेट था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मेरी जैसी बहुत लड़कियाँ थी, बहुत भैया दीदी, मतलब सब बहुत लोग थे ब्लड डोनेट कर रहे थे। जी, मतलब लोग सिर्फ उनकी शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते, उसे करने के बाद लोग खुशी भी महसूस करते हैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली हम जैसे कहीं भी ब्लड डोनेट करते हैं या कहीं कोई भी काम करते हैं तो हम उसमें सेल्फी खींच के या कोई शो ऑफ बाजी करते हैं, हम यहाँ करते हैं हमें बड़ी खुशी होती है, फोटो तो हम खींचना ही भूल जाते हैं कि हम किसी को बताएंगे भी, पर हमारी खुशी इतनी अंदर की होती है कि हम ये अच्छे काम कर रहे हैं। जी, आज बाबा राम रहीम सत्संग को नहीं लगाते, समाज में एक्टिव नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे दिल में पिताजी हैं, हमारे मनों में पिताजी हैं, हम प्यार से और अपने सिमरन से पिताजी को बुलाते हैं, हमें कभी पिताजी चांद में दर्शन देते हैं, कभी टाइलों में देते हैं, कभी लंगर में देते हैं, कभी रोटी में देते हैं, तो फिर हमें पिताजी की कमी महसूस हो ही नहीं रही, क्योंकि पिताजी ने बोला है कि हम अपने टाइम से आएंगे। जी, आज के समाज को ऐसे गुरु की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि मेरी एज के लोग, बच्चों को और मेरे से छोटी एज के बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, छोटे छोटे बच्चे इतने गलत गलत काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज देश की सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं गवर्नमेंट से यही बोलूँगी कि आप, आपके हाथ में तो वैसे कुछ है ही नहीं, हमारे पिताजी खुद आएंगे, खुद गए हैं तो वो खुद ही आएंगे, बट प्लीज़ आप उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा ना दिखाएं, और जो काम वो कर रहे हैं, अच्छे अच्छे चीज़ें कर रहे हैं, उन्हें भी ना रोकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखा आपने कि किस तरह इस युवा ने बताया बाबा राम रहीम की सच्चाई के बारे में।